खबर सतना से है, जहां पुलिस ने शहर के नामी चिकित्सक डॉक्टर नीलेश्वर शर्मा के घर में घुसकर वृद्धा पर जानलेवा हमला करके 14 तोला सोना और 1 लाख रुपए लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पेशे से इलेक्ट्रीशियन है और उसका डॉक्टर के घर में लंबे समय से आना जाना था। आरोपी दीपक केवट इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए डॉक्टर के घर आता जाता था। आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ योजना बनाकर डॉक्टर की वृद्ध मां के कमरे में घुसे और जानलेवा हमला करके लूटपाट करके फरार हो गए थे। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोना और नकदी बरामद की गई है। एक व्यक्ति जो आरोपी है दीपक केवट, इसकी काफी घर में आना जाना था, कई कारणों से घर में जाता था। बेसिकली इलेक्ट्रिशियन था, छोटे मोटे काम करने के लिए जाता था, तो घर से इसकी निकटता थी। रात्रि में अपने साथी राम प्रसाद केवट के साथ प्रवेश किया गया, क्योंकि महिला परिचित थी इसलिए उस पर हमला करके गंभीर चोट पहुंचा के उसको उस स्थिति में लाके लूटपाट की गई। उनको विश्वास हो गया था कि महिला अचेत हो गई है, संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद वो घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस टीमों ने लगातार प्रयास करके घटना के 4 घंटे के अंदर ही मेन जो आरोपी है दीपक केवट को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी राम प्रसाद केवट को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी घटना कबूल की गई।